और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके ये बड़ी जानकारी दी है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान हो गया है। ये बड़ी जानकारी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है और कहा है कि मैंने आडवाणी जी को फोन कर इसके लिए बधाई दी है। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फोटो भी ट्वीट की है और लिखा है कि भारत रत्न दिया जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को और मैंने फोन करके इस बारे में लाल कृष्ण आडवाणी को जानकारी दी है और उन्हें कंग्रेचुलेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड स्टेट्समैन ऑफ आवर टाइम्स, हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज मॉन्यूमेंटल। ही इज अ लाइफ दैट स्टार्टेड फ्रॉम वर्किंग एट द ग्रास रूट्स टू सर्विंग द नेशन एज आवर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है लाल कृष्ण आडवाणी के लिए, ये देखिए वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, ही डिस्टिंग्विश्ड himself as our home minister and INB minister as well. His parliamentary inventions have always been exemplary, full of rich insights. ये लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आमोद रॉय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी अभी प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है और ये एक तरह से लगातार जो मांग उठ रही थी लाल है और पार्टी को खड़ा करने में एक बड़ी भूमिका उनकी रही है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं से ये फैसला जब लेंगे तो पार्टी के सारे पदाधिकारी और सबसे संपर्क करने के बाद और अपने जो शुभेच्छु हैं, जो संघ के लोग हैं, जो पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से चर्चा करने के बाद ये फैसला हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। पार्टी को उस हालत में जब चुनाव अब बिल्कुल करीब है, वैसे में लाल कृष्ण आडवाणी को ये दिया गया है रत्न, भारत रत्न, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बीजेपी इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को दे चुकी है भारत रत्न, तो उसके बाद अब लाल कृष्ण आडवाणी जो उसके सबसे दो नंबर दो के नेता माने जाते हैं जब से पार्टी की स्थापना हुई है तब से, उनको भी देने के बाद ये कहीं ना कहीं पार्टी के जो काडर हैं उनमें एक एनर्जी भरने की कोशिश है, उनको खुश रखने की कोशिश है और जो लगातार मांग उठ रहा था दबे जुबान ही सही जी, उसको साधने की कोशिश कहीं ना कहीं ये की गई है इसमें समीर।